हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आईपीयू यूनिवर्सिटी की दो बहुत बड़ी अपडेट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल रात को इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। कुछ और भी कोर्सेज ऐड हुए हैं। वैसे तो इनका जो रिजल्ट का सिलसिला है पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन कुछ नए कोर्सेज का भी जो है रिजल्ट कल रात को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अब जो है आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होना वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नए कोर्सेज है जिनका रिजल्ट कल रात को डिक्लेयर हुआ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, BHMCT, BA लिबरल आर्ट्स, MTech, MSc और साथ में BA इंग्लिश, BE फार्मा, इन सभी का जो है रिजल्ट कल रात को आईपीयू यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। और ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज का जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है इनकी वेबसाइट पे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिल रहा है कि एडमिशन जो प्रोसेस है कितना डिले चल रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत टाइम पहले से अपना एडमिशन प्रोसेस अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें अगर MBA कैट की, बात करें इंटीग्रेटेड लॉ की, BTech की, यार इनके एग्जाम सेशन 1, सेशन 2 और कैट का रिजल्ट तो यार पिछले साल ही आप लोगों को मिल गया था। और जो स्टूडेंट है बीटे क्लैट लॉ वाले, इनके पास भी कब से इनके पास अपना रिजल्ट अवेलेबल है। ये आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इतने टाइम से, उनको एक और एक्सटेंशन दे दिया गया है, जिनका रिजल्ट 16 तारीख को आने वाला था, 16 जून को आने वाला था फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, उनका अलॉटमेंट अब 27 तारीख तक के लिए होल्ड पे डाल दिया है। तो इन स्टूडेंट को भी थोड़ा कह सकते हैं कि लंबा टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि क्या हम लोगों को, यानी कि जो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी आ रहा है, क्या उनको भी इसी तरीके से एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे? क्या इनका जो राउंड वन जो है इतना लेट लेके जाने का रीजन ये है कि सभी कोर्सेज को साथ में पैरेलल में लेके आया जा सके? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी आज की डेट में विचार विमर्श करने पर मजबूर कर रही हैं कि भाई आईपी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है क्या इसी तरीके से डिले होता रहेगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी हम इस बारे में नहीं बोल सकते। बट जो स्टूडेंट नेशनल लेवल पे बेसिस पे अप्लाई करके बैठे हुए हैं, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप लोग अपनी काउंसलिंग के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आगे एडमिशन में प्रोसेस में बने रहने के लिए। तो अब अपने ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सभी अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस शीट्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, हर एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।